बॉडी शेमिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं लड़कों के साथ भी होती है, एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर किसी एक तरफ का होकर बोलना गलत होगा, मोटापा एक ऐसा इशू है जिस पर हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। वेल, इस टॉपिक पर बनी एक फिल्म आई है एक्सेल, तो चलिए इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इस फिल्म की कहानी तो लड़कियों की होती है, राश्री त्रिवेदी जो एक क्रिकेट कमेंटर बनना चाहती है और दूसरी है सायरा खन्ना जो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अब ये दोनों लड़कियां साइज में डबल एक्सेल होती हैं, जिसकी वजह से इनके वर्क लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कैसे ये दोनों लड़कियां मिल जाती हैं और सोसाइटी के इस एक्सेल मेंटालिटी से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करती हैं? वेल, यही है फिल्म की स्टोरी। अब मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो नंबर एक पर आता है इसका टॉपिक। देखो, टॉपिक कोई नया नहीं है, बॉलीवुड में इस पर पहले भी मूवीज बन चुकी है, पर हाँ टॉपिक कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है जो कि फिल्म को वॉचेबल बना देता है। नंबर दो पर आती है एक्टर्स की एक्टिंग। सोनाक्षी सिन्हा एंड हुमा कुरैशी ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है एंड दे हैव डन देयर जॉब परफेक्टली। दोनों की एक्टिंग ऑन पॉइंट थी, एज फॉर बाकी के एक्टर्स उन्होंने भी अपने काम के साथ जस्टिस किया है। एंड नंबर तीन पर आता है मूवी का फर्स्ट हाफ। मूवी का फर्स्ट हाफ एक अच्छा इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन देता है जो देखकर अच्छा भी लगता है। कॉमेडियन सोशल इश्यूज को एक साथ में वेल बैलेंस करके दिखाया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पर वहीं अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखो, नंबर एक पर आता है स्क्रीन प्ले। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही वीक है, मूवी एट अ टाइम्स अपने टॉपिक से भटक जाती है एंड देन सीन्स एंड डायलॉग्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा पुअर है जिससे मूवी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। नंबर दो पर है स्टोरी लाइन। मूवी की स्टोरी लाइन एकदम वीक है एंड इट्स टू मच प्रेडिक्टेबल। मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है जो कि आपको दो घंटे तक बैठा कर रख सके थिएटर्स में। एंड नंबर तीन पर है इसका सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में इसका सेकंड हाफ काफी पुअरली रिटन है। मूवी सेकंड हाफ में खुद ही कंफ्यूज रहती है कि दिखाना क्या है और बस फालतू की खींची हुई सी फील होती है। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हैं पर वो इतने भी कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं लगते हैं। ओवरऑल ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है जो आपको एक अच्छा सोशल मैसेज दे जाती है, पर हाँ इसके अडल्ट डायलॉग्स की वजह से फिल्म को आप फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। ये फिल्म स्पेसिफिक ऑडियंस पर ही फोकस करती है। सो मेरी तरफ से तो इस फिल्म को 3 stars out of 5 stars। तो अगर आपने देख ली है ये मूवी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। With that being said, thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया है तो शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के पेजेस को जाकर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन कीप वॉचिंग। शनि बाबा से बचें।